प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर अब इसमें क्या कहना चाहा है इस गीता ज्ञानदाता ने। वहां तो ये कह रहा है कि अर्जुन यदि कोई हठ पूर्वक इंद्रियों को रोकना चाहता है और हठ करके बैठ जाता है, वो बैठा तो दिखाई देता है जैसे बड़ा निश्चल है, लेकिन अंदर से इंद्रियों के ही स्मरण में लगा रहता है। और यदि तू एक स्थान पर बैठ गया, काम कराया नहीं, तो तेरा निर्वाह कैसे होगा। कहने का भाव ये है, उसने कहा कि तू काम भी कर और भक्ति भी कर। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 7 में स्पष्ट किया है कि तू युद्ध भी कर, मेरा स्मरण भी कर। तो वहां क्यों नहीं कहा एक आसन ला ले, एक जगह बैठ जा, ऊंचा नीचा कर ले, आसन नाक के आगे देखी जा, इतने को ठोक दे तीर। तो ये सब इसकी अपनी लोकवेद है, दंत कथा है इसकी, मिसगाइड करने के लिए कि ये भक्ति से दूर हो जाए, भक्ति कर ना सके। और फिर पहले तो आसन में डाब लाओ, फिर मृग की खाल लाओ हिरण की, फिर उस पर वस्त्र बिछाओ और फिर नाक के आगे ध्यान लगाओ। और इसका सारा टोटल रिजल्ट क्या है, इसका परिणाम ये बताया कि अंतकरण की शुद्धि के लिए और मन में रोकने। फिर आगे से पूछा कि हे प्रभु, हे भगवान, मन को रोकना तो बड़ा कठिन है। तो फिर आप पे कहता, हाँ भाई ऐसा है, मन को रोकना तो वायु को रोकने के तुल्य है। फिर यहां कैसे कह रहा है कि तुम मन न रोक कर भक्ति कर ले। जब मन न रुक गया तो फिर रोड़ा के है, फिर तब पारे हो गया आदमी। इस मन को रोकने के लिए ही ये क्रियाएं और ये ज्ञान बताया जाता है जो सूक्ष्म वेद में भगवान ने बताया। इससे दूर कर दिया इसने मानव को, 8वें अध्याय के और 7वें श्लोक में खुद कह रहा है कि तू मेरा स्मरण भी कर और युद्ध भी कर। ये देखिएगा अध्याय नंबर 8 और यहाँ ये 7 मंत्र है, ये रहा ये 7। इसमें कहा कि इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि युक्त से होकर तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। ये है वेद ज्ञान। वेद ज्ञान क्यों है, क्योंकि वेद में भी लिखा है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में वेद ज्ञान दाता वही है जो गीता ज्ञान दाता है, जो श्री कृष्ण में बोल रहा है। तो वेद ज्ञान दाता क्यों कहा गया, क्योंकि इसको ज्ञान ग्रहण हुआ अंतःकरण में, और इसके अंतःकरण में ये फीड है और एक बाहर भी कॉपी आ गई, जैसे कंप्यूटर के अंदर होती है, अंदर भी रहती है सेव और बाहर भी कॉपी उसका डाउनलोड कर ली जाती है। तो वहां से जो वो बोल रहा था उसने वेदों का ज्ञान जो इसने सुनाया अन्य को, तो वो सही बोला। जब इसने युद्ध करवाना था, अटकलबाजी करनी थी, बाद में इसको पता लग गया कि तो इसमें भी बहुत कुछ निर्णय है, तो इसने अपनी अटकल साथ लगा दी और वो ज्ञान वेद ज्ञान गॉड गिवन है। अब जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के और मंत्र नंबर 15 में स्पष्ट किया है कि ओम नाम का जाप कर्तु समर किल्वे समर और कर्त्युम समर वायु अनिलम अथिदम बसमांतम शरीरम। ओम कर्तु समर किल्वे समर और कर्त्युम समर, क्या बताया है कि ओम नाम के जाप को काम करते करते स्मरण कर, विशेष कसक के साथ स्मरण कर और मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य जानकर ओम नाम का स्मरण कर, जिससे क्या होगा कि जब तेरा शरीर नष्ट होगा, भस्म होगा, तेरा शरीर समाप्त होगा,
उसमें तुझे इस ओम नाम के जाप से मिलने वाली जो राहत है, जो गति है, वो उतना अमृतव प्राप्त होगा। और यही गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण ये प्रयाति तजनदेहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है और जो इसको अंतिम श्वास तक सिमरण करता है, शरीर त्याग कर जाते समय तक, तो मेरे वाली यानी परम गति को प्राप्त होता है। जो ओम से मिलने वाली परम गति, वो ब्रह्म लोक है, वो ओम से मिलने वाली परम गति। और ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी फिर वापस आते हैं, उनकी पूर्ण मोक्ष नहीं होता। अब आपको यजुर्वेद से रूबरू कराते हैं। ये यजुर्वेद है, प्रकाशक सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, मैर सिद्धांत भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। इसके अनुवादक महर्षि दयानंद, आर्य समाज प्रवर्तक, मुद्रक हैं प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, त्रियागंज, नई दिल्ली से। ये 40वां अध्याय है, 4400 अध्याय, 40वां अध्याय। और इसका ये जो मंत्र है, 15वां मंत्र है, इसमें क्या लिखा है कि वायु अनिलम अमृतम अथिदम भस्मांतम शरीरम, ओम कर्तो समर किल्बे समर और कर्तुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरण करो, कर्तो माने काम करते करते, किल्बे माने विशेष कर्बलाहट के साथ, कसक के साथ, और कर्तुम माने कर्तव्य समझ कर, अपना मनुष्य जीवन का कर्तव्य समझ कर सिमरण कर। इस अनुवादकर्ता ने, क्योंकि ये तो पूर्ण रूप से अज्ञानी था, महर्षि दयानंद नाम नाम का मैं ऋषि था, इसने कख नहीं पता वेदों का। ये भी ब्राह्मण था, संस्कृत बचपन से पढ़ा करता था, संस्कृत से भाषण करता था, बोलता था, जिस कारण से विद्वान प्रसिद्ध हो गया, महर्षि प्रसिद्ध हो गया, इसने कख नहीं पता था। अब यहाँ यदि इसको पता होता तो ये अनुवाद ऐसा नहीं करता। हे कर्म करने वाले जीव, कर्तो माने काम करने वाले, ओम कर्तो समर कल्बे समर कर्तुम समर, ओम नाम का जाप, इस ओम का जाप काम करते करते माने काम करते करते सिमरण कर, कल्बे माने विशेष कसक के साथ सिमरण कर इस ओम को, और कर्तुम मनुष्य जीवन का कर्तव्य जानकर सिमरण कर। और इस अज्ञानी ने कैसे अनुवाद किया है देखिएगा, हे कर्तो माने हे काम करने वाले जीव, तू शरीर छूटते समय ओम इस नाम वाच्य ईश्वर का स्मरण कर। अकल देखो इसकी, ओम नहीं लिखा, ओम का अर्थ सीधा लिखना था, इस ओम को स्मरण कर ना, इसने अर्थ कर दिया नाम वाच्य ईश्वर। अब इसने अपने विधान बताया था कि नाम जाप करने कोई लाभ नहीं होता, ये अज्ञानी का विधान था इस दानंद का। अपने आत्माओं, अब साथ साथ इन अज्ञानियों के अनुभव की पुस्तकें भी आपको दिखाई जाएंगी, तभी आप महसूस करोगे सचमुच रामपाल सच्ची कह रहा है ना। तीन ये तो आपके हृदय में समाये बैठे हैं, ये कति अकी तुम बड़े विद्वान थे। ये देखिएगा सत्यार्थ प्रकाश, जिसके विषय में क्या लिखा है ये सत्यार्थ प्रकाश, ये महर्षि दयानंद सरस्वती आर्य समाज प्रवर्तक, ये इनके जीवन काल के विषय में लिखा है कि 1824 से लेकर 1883 तक 59 ईयर ये जीवित रहा। इस सत्यार्थ प्रकाश के विषय में क्या लिखा है कि वेद आदि विविध सदशास्त्र प्रमाणे समन्त, यानी वेद आदि विविध सद शास्त्रों के प्रमाणों से इसकी रचना की है। किसने? श्रीमत परमहंस परिवराजक आचार्य, इतनी तो फीत इसका आगला रखी है। फिर महर्षि दयानंद गए, दयानंद महर्षि दयानंद सरस्वती स्वामी विरचित है। इसके विषय में कहा कि वेद आदि सद शास्त्रों के प्रमाणों से इस महर्षि दयानंद द्वारा लिखा गया है। प्रकाशक वैदिक यति मंडल,
दानंद मठ दीना नगर पंजाब से। और ये छपी कहाँ से है? मुद्रक है आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दानंद मठ गोहाना मार्ग रोहतक से। अब देखना इसके 263 पृष्ठ पे 11वां समोल्लास, एकादश समोल्लास है, यानी 11वां समोल्लास 263 पृष्ठ पे यहाँ क्या लिखा है? किसी ने प्रश्न किया इसे, परमेश्वर निराकार है, वह ध्यान में नहीं आ सकता, इसलिए मूर्ति का होना आवश्यक है। भला कुछ भी नहीं करे तो मूर्ति के सामने जाते हैं, तब कुछ परमेश्वर का स्मरण करते और नाम लेते हैं। ये प्रश्नकर्ता कह रहा है कि तो परमात्मा को निराकार बतावे है, तो हम उसकी मूर्ति बना ली उसने, उसकी उस मूर्ति के पास जाते हैं तो कुछ ना कुछ उसका फिर याद आ जाता भगवान। तो महर्षि दानंद कहता है जब परमेश्वर निराकार है तब उसकी मूर्ति ही नहीं बन सकती, जो मूर्ति के देखने से परमेश्वर का स्मरण होवे तो परमेश्वर की बनाई पृथ्वी जल आदि को देखकर अग्नि क्यों नहीं हो जाए। फिर आगे क्या कहता है, जो मूर्ति को न मान परमेश्वर को व्यापक माने और उसके डर से कि मुझको परमेश्वर देखता है पाप ना करे, स्मरण करने से कुछ नहीं होता, नाम स्मरण करने से कुछ नहीं होता, नाम यानी नाम का जाप करने कुछ नहीं होता, जैसा कि मिश्री कहने से मुख न मीठा और नीम कहने से कड़वा नहीं होता, किंतु उसको जीभ से चाखने से मीठा वह कड़वा होता है। नाम लेने की तुम्हारी रीति उत्तम नहीं है, वह इस प्रकार है। फिर युद्ध विधि बताओ है, ऐसे श्रमण करो भगवान का नाम लो, इस प्रकार करना चाहिए जैसे न्याकारी ईश्वर का नाम है और जैसे पक्षपात रहित होकर परमात्मा सबका यथावत न्याय करता है, वैसे नामों के अर्थों को अपने में धारण करें। अपने अस्माओं इनकी या इंग्लिश आप नहीं समझ सकते, दास समझे ये क्या बोलना चाह रहे हैं, आप समझते होते तो पहले पता लग जाता है कि सा महर्षि है, इसने ये कहा है। जैसे प्रश्नकर्ता कह रहा है कि हम मूर्ति इसलिए बना रखी हमने कि सारा दिन काम में बिजी रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, फिर कभी भगवान दिख जाता है तो उसका नाम जाप कर लेते हैं, कुछ देर तो करते हैं, उसके जी रास्ते में जा रहे हैं मंदिर मूर्ति दिख गया तो भगवान की याद आई, उसका नाम स्मरण कर लिया हमने। तो यूँ कहता है कि नाम स्मरण करने से कुछ नहीं होता, जैसे मिश्री मिश्री करेंगे यानी ओम ओम करते रहे तो मिश्री कहते मुँह मीठा नहीं होता, यानी इसका क्लियर कर दिया इसने कि ओम नाम के जाप करने से कोई लाभ नहीं होता। फिर अपनी विधि बताई है कि नाम का स्मरण करना तुम्हारा गलत है, विधि गलत है, उस परमात्मा का स्मरण करो। कैसे? कि वो न्याकारी है, सबको यथावत न्याय देता है, सृष्टि का रचने वाला है, बस इतना स्मरण करो, ओम नाम का जाप नहीं। इसके इस व्याख्यान का ये अर्थ बनता है। यही कारण था कि इसने अपना ओम नाम का जाप किया नहीं, क्योंकि इसको ज्ञान तो था नहीं, दृढ़ता इसको थी नहीं कि कौन सी भक्ति ठीक है, संशय में था, इसलिए कितने कुछ एंडवेंड बोला है। एक जगह इसने क्या बता रखा है, इनके जीवन चरित्र में किसी को कहता है कि सचिदानंद नाम स्मरण कराया कर, यानी इसको ज्ञान तो था ही नहीं, इसके जीवन चरित्र में लिखा है। तो कहने का भाव इसे सिद्ध हो गया कि ये ओम नाम के जाप के सिमरण करने के पक्ष में नहीं था। अब फिर आते हैं यजुर्वेद पर, और क्लियर हो जाएगा। इसके ही अनुवाद में वेद कह रहे हैं कि स्पष्ट कह रहे हैं, वेद प्रमाण है कि ओम नाम का जाप करे, ओम काम करते करते सिमरण कर, विशेष कसक के साथ सिमरण कर, और मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य जानकर सिमरण कर। और ये अज्ञानी यहाँ भी यही इसी दृष्टिकोण से अनुवाद कर रहा है कि ओम नाम के सिमरण की कोई आवश्यकता नहीं। देखो फिर हम आगे यजुर्वेद पर, अब यजुर्वेद है इस दानंद द्वारा अनुवादित है, इस आर्य समाज प्रवर्तक
दानंद के द्वारा ही प्रकाशित को अनुवादित है और यहाँ से ये मुद्रित है, यहाँ से ये प्रकाशित है। हम इसके फिर आगे यजुर्वेद के 40वें अध्याय के चतुर्थ अध्याय 40वां 15वें श्लोक पर यहाँ देखो, इसमें स्पष्ट लिखा है कि ओम कर्तो समर, कर्तो का अर्थ ये खुद कर रहा, कर्तो माने काम करने वाले जीव, इसका अर्थ ये है काम करते करते, ओम कर्तो समर काम करते करते श्रवण करो ओम नाम का, किल्बे समर और कर्तुम समर विशेष कसक के साथ श्रवण करो और अपना मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य जानकर इसका श्रवण करो। तो इस यहाँ वायु अनिलम, आपके शरीर में जब तक ये शरीर प्राण है, जीव है, श्वास है, इससे अथिदम अंत में बसमानतम शरीरम अमृतम, जो अमृतव इस ओम नाम से होगा शरीर छोटने तक श्रवण करते रहना, इससे वो उतनी परम गति अवश्य होगी, अमृतव अवश्य प्राप्त होगा। और ये क्या कह रहा है, काम करने वाले जीव तू शरीर छोड़ते समय ओम लिखा स्पष्ट, इस ओम को गोलमोल कर दिया, यहाँ लिखना था ओम को स्मरण कर, इसने लिख दिया इस नाम वाच्य ईश्वर को जिसका ओम नाम है उसका स्मरण कर, नोट ओम को, क्योंकि काल ने याद करे, जो किसान आकारी है काल आपको बता दिया भगवान ने, तो स्मरण कर अपने सामर्थ्य के लिए परमात्म और अपने स्वरूप का स्मरण कर, कर्तव्य अपने किए का स्मरण कर, अपने किए का ज्यादा अपने मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य जानकर इसका श्रवण कर, ये वाक्य दिखाने की जरूरत है नहीं। अब गीता ज्ञानदाता 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में यही कहता है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवरण मामो स्मरण ये प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गति, मेरे ओम नाम का जाप, मेरा एक ओम अक्षर है मुझ ब्रह्म का, नथिंग एल्स, इसका श्रवण काम करते करते श्रवण करो, जो अंतिम श्वास तक जो श्रवण करता हुआ इसका इसका त्याग करता शरीर को, तो मेरे आली परम गति को प्राप्त होता है, ब्रह्म की परम गति को प्राप्त होता है, यानी ओम नाम से ब्रह्म लोक प्राप्ति होता है, यह ब्रह्म का मंत्र है। और इसी का समर्थन दुर्गा जी कर रही है, दुर्गा देवी की जो भक्ति करते हैं वो साधना भी गलत है, व्यर्थ है, शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण। अब देवी खुद कह रही है कि ब्रह्म किस का जाप करो, ये देखिएगा श्रीमद देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, और इसके संपादक कौन है, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी, ये कहाँ से छपी है, प्रकाशक एवं मुद्रक है गीता प्रेस गोरखपुर, ये 27305 इनका कोई कोड नंबर है, गोविंद धन कार्यालय कोलकाता का संस्थान, ये इनके फोन और फैक्स नंबर है। इसके 562 पृष्ठ पर आपको ले चलते हैं, ये दुर्गा जी यानी 7वां स्कंद है और 7वें स्कंद का 36वां अध्याय प्रारंभ होता है, 35वां यहाँ एंड हो गया। देवी खुद हिमालय राजा को उपदेश ज्ञान दे रही है और ब्रह्म के विषय में जानकारी दे रही है, क्या कहती है, श्री देवी जी कहने लगी पर्वत राज इस प्रकार योग युक्त होकर, पहले किसी ने अपने बारे में बताया, फिर बताती है कि उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप में स्थित हृदय रूप गुह में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध और महान पद और परम प्राप्य है। अब देखो वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है, तुम जानो जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और इन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं, वही ये अक्षर ब्रह्म है, वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है, वही सबके मन है, वह यह परम सत्य अमृत अविनाशी तत्व है। सो में उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ, सौम्य उपनिष्ठ में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर,
उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो। इसका कहने का भाव यह है कि अक्षर रूप ब्रह्म को लक्ष्य बनाकर वेदन करो। प्रणव यानी ओम तो धनुष है, जीवात्मा बाण है और ब्रह्म उसका लक्ष्य कहा जाता है। यानी जीवात्मा ओम नाम से ब्रह्म का सिमरण करे, इसका सीधा अर्थ है। आगे देखो, उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातें छोड़ दे। यानी देवी जी अपनी पूजा को भी रिजेक्ट कर रही है कि केवल एक ब्रह्म की पूजा करो। उसी यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत रूप परमात्मा को प्राप्त कराने की यह सुलभ का यही सुलभ साधन है। जिस यहाँ आ जाते हैं, इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो। ओह, ओम का जप करना है। अरोनाड़ी अज्ञानी कह रहा है, मैं ऋषि दानंद, कि हो जिसका ओम नाम है उसका स्मरण करो। इस परमात्मा का ओम का जप करो और ध्यान करो, इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। ओम नाम के जाप से ब्रह्म प्राप्ति है। और वो ब्रह्म कहाँ रहता है यह कनिष्ठ क्लियर करती है। हम 2563 पृष्ठ पर आगे हैं, गीत वही है, नो किनु सातवां स्कंद है। वह यह सबका आत्मा ब्रह्म, ब्रह्म लोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। अंडरस्टूड कि उसको प्राप्त हो जाओगे, जो ब्रह्म लोक में ब्रह्म रहता है, किससे? ओम नाम के जाप से। इससे सिद्ध हो गया कि ओम नाम के जप से ब्रह्म लोक प्राप्ति होती है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में लिखा कि ब्रह्म लोक पर्यंत, ये देखिएगा श्रीमद् भगवद गीता, जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं, 8वां अध्याय आपको दिखाते हैं, 8वें अध्याय का 16वां श्लोक, ये 8वां अध्याय, 8वें का पहले तो आपको दिखाते 13वां श्लोक, ये 8वां अध्याय का आपको 13वां श्लोक दिखाते हैं, जिसे स्पष्ट हो जाएगा कि ब्रह्म बोल रहा है गीता जी को। ये 13वां, इसमें लिखा है ओम इति एकाक्षरम, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण, ये प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गति। इसको संधि छेद करके लिखा है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण, ये प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गति। इन्होंने यहाँ से शुरू किया है, ओम ओम यहाँ शुरू किया, ओम इति एक अक्षरम, इति ओम इति एक अक्षरम, इन्होंने अनुवाद गलत कर रखा है। ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता हुआ वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। अब देखो, एक अक्षर रूप ब्रह्म को ये अनुवाद ही न करना था, फिर बात क्या थी। इसमें लिखा है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण, माम ब्रह्म मुझ ब्रह्म का ओम इति एकाक्षरम, केवल यह एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स। व्यवहारण माने उच्चारण करके सिमन करता हुआ, यह प्रयाति तजन देहम जो शरीर त्याग कर जाता है इसका नाम जाप करता हुआ ओम का, सयाति परमाम गति वह परम गति को प्राप्त होता। वो परम गति क्या है ओम से? अभी आपने श्री देवी पुराण में देवी के श्री मुख कमल से सुन लिया कि ओम नाम का जाप करने वाला ब्रह्म को प्राप्त होता है और वो ब्रह्म ब्रह्म लोक में रहता है। अब 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में गीता जी ने कहा है ब्रह्म लोक पर्यंत, ये सभी पुनरावर्ती में है, इनके जन्म और मृत्यु सदा बना रहेगा। ये देखिएगा, हम फिर 8वां अध्याय का आपने 13वां पढ़ दिया, अब 16वां पढ़ते हैं। ये 16वां, हे अर्जुन ब्रह्म लोक पर्यंत सब लोक पुनरावर्ती में है। ये देखो, इन्होंने इस शटार लगा रखा है, इसका यहां टिप्पणी करी है, अर्थात
पुनरावृत्ति का अर्थ क्या है, पुनरावृत्ति कैसे कहते हैं, अर्थात जिनको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े ऐसे। अब इन्होंने क्या चतुरता की है कि इसमें लिखा कि आना पड़ता है, फिर यहां लिख दिया कि हे कुंती पुत्र मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, ये अनुवाद गलत कर दिया। विद्यते का अर्थ केवल होता होता नहीं होता, विद्य माने जानना भी होता है, जो नहीं जानते, न विद्यते जो ये नहीं जानते। ये देखिएगा कहते हैं आ ब्रह्म भुवनात् लोका पुनरावर्ति न अर्जुन न विद्यते, पुनर्जन्म न विद्यते, ये अर्थ है माम उपेतु कुंते पुनर्जन्म, मुझे प्राप्त होकर तो अर्जुन जन्म मरण होता ही है, पुनर्जन्म होता है, जो ये नहीं जानते। क्या नहीं जानते कि आभुवन लोकात आब्रह्म भुवनात लोका ब्रह्म लोक तक सभी लोक पुनरावृत्ति में है, वहां जाने के बाद फिर पुनर पीछे संसार में आना पड़ता है, जो ये नहीं जानते उनका पुनर्जन्म होता है। अगर हम इसका अनुवाद इनके द्वारा किया हुआ सत्य माने तो ये सारे मंत्र गलत सिद्ध हो जाते हैं। दूसरे अध्याय का 12वां श्लोक ये देखिएगा, दूसरा अध्याय गीता जी अध्याय नंबर 2 का और श्लोक नंबर 12, इसमें क्या कहा कि न तो ऐसा ही है अर्जुन, ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और नहीं ऐसा है कि इससे आगे हम सभी नहीं होंगे रहेंगे, अर्थात आपका और मेरा और इन सब राजाओं का आगे भी जन्म हुआ है पहले और फिर भी होगा, इससे सिद्ध हो गया। गीता ज्ञानदाता कहता तेरे और मेरी जन्म मृत्यु सदा रहेगी। फिर देखना अब चौथे अध्याय का 5वां श्लोक दिखाते हैं, ये देखिएगा अध्याय नंबर 4 का और श्लोक नंबर 5, इसका अर्थ यहां पर किया इन्होंने। हे परंतम अर्जुन मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। और फिर क्या 9वें श्लोक में क्या कहा है कि अर्जुन चौथे अध्याय के 9वें श्लोक में कि मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, अलौकिक है। और 10वें अध्याय के 2वें श्लोक में कहा है, अध्याय नंबर 10 श्रीमद् भगवत गीता हम पढ़ रहे हैं, ये 2रा श्लोक है, मेरी उत्पत्ति अर्थात लीला से प्रकट होने को, मेरी उत्पत्ति को इसको छोड़ दो, न देवता लोग जानते हैं और न महर्षि जन जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और मैं ऋषियों का आदि कारण हूँ। इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता का जन्म तो होता है, लेकिन इससे उत्पन्न हुए जन्म में ये ब्रह्मा विष्णु महेश यानी देवता और ऋषि लोग नहीं जानते, क्योंकि इसके पुत्र हैं ये। अब जैसे पुत्र की उत्पत्ति को, संतान की उत्पत्ति को पिता तो बता सकता है, लेकिन पिता की उत्पत्ति को संतान नहीं बता सकती, उसका दादाजी बता सकता है। तो उस दादाजी ने यानी कबीर भगवान ने, सर्वशक्तिमान परम अक्षर ब्रह्म ने सतलोक से गति करके आके यहाँ उस यथार्थ ज्ञान को अपने प्यारे हंसों को दिया, प्यारी आत्माओं को दिया, जैसे आदरणीय द्रवदास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, इनको विशेष ज्ञान दिया था। अन्य को भी ज्ञान यथार्थ ही दिया है, लेकिन कंप्लीट वो नहीं, उनको या उनके लिपिबद्ध नहीं कर सके होंगे। इनकी वाणी में बहुत ज्ञान, यथार्थ ज्ञान विस्तृत विस्तार के साथ है। अब ये तो सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता सर्वशक्तिमान और अजर अमर अजन्मा नहीं है, इसकी भी जन्म मृत्यु होती है। इसकी जन्म मृत्यु यानी इसके माता पिता कौन है, और फिर वो अविनाशी परमात्मा कौन है जिसके बारे में ये गीता ज्ञानदाता स्वयं कहता है कि उस परमात्मा के यथार्थ ज्ञान से मैं परिचित नहीं हूँ। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32-34 प्रकरण का ये निष्कर्ष है कि उसमें लिखा है 32वें श्लोक में चौथे अध्याय के में कि उस सच्चिदानंद गण ब्रह्म ने
अपने मुख कमल से आकर के यथार्थ ज्ञान दिया है धार्मिक अनुष्ठानों के बारे में, अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान उस परमात्मा के द्वारा बोले गए अध्यात्म ज्ञान में, उस तत्व ज्ञान में विस्तार से कहे गए, और उसके उससे मैं परिचित नहीं हूँ, गीता ज्ञानदाता कहता है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में फिर कहा है कि उस ज्ञान को, उस तत्व ज्ञान को जो भगवान ने स्वयं आकर बोला है और वो लिपिबद्ध किया गया है, वो सच्चिदानंद गणब्रह्म की वाणी, वो कबीर वाणी है। उस कबीर वाणी को अर्थात उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, और फिर वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे, उनको दंडवत प्रणाम करना, प्यार से बात विनम्र होकर प्रश्न करना जब वो यथार्थ ज्ञान बताएंगे। तो यथार्थ ज्ञान जानने के लिए उनसे पूछने को कहा है। फिर क्या बताया है कि उस तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के वो सभी विभागों को जो बता देगा, तना कौन भगवान है, डार कौन भगवान है, ये तीनों शाखा कौन भगवान है, पत्ते कौन है, और मूल भगवान कौन है, सवेदवित व वेद के तात्पर्य को जानने वाला अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। परमेश्वर ने स्वयं आकर के ये तत्वदर्शी संत यानी जगत गुरु की भूमिका की थी, और उन्होंने बताया था अक्सर पुरुष एक पेड़ है निरंजन वा की डार, सर पुरुष कहो निरज्योत निरंजन कहो, सर पुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार, और जड़ वो खुद थे, मूल वो संसार की खुद थे, जैसे पृथ्वी से बाहर जो दिखाई देता वो वृक्ष कहलाता है, और गुप्त रहती हैं वो जड़ें। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 17 में, यानी अंतिम मंत्र है, यजुर्वेद का अंतिम मंत्र है 17वां, और 40वां अंतिम अध्याय है। 40वें अध्याय का 17वें श्लोक में इस महर्षि दानंद द्वारा अनुवादित है, उसमें स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा तो गुप्त है, परोक्ष है। ये देखिए, फिर यजुर्वेद थोड़ा सा दिखाते हैं। ये यजुर्वेद है वही जो दानंद सरस्वती द्वारा अनुवादित है, महर्षि दानंद सरस्वती द्वारा, और ये वहीं से प्रकाशित है, ये सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दानंद भवन 2/5, महर्षि दानंद भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से, महर्षि दानंद सरस्वती द्वारा इसका अनुवाद है। प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स इसके मुद्रक हैं, 1510 पटौती हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। ये 40वां अध्याय अंतिम अध्याय है, और ये अंतिम श्लोक चल रहे हैं 15वें में। तो यह वेद ज्ञान दाता खुद कहता है कि मेरा तो ओम नाम है, इसका श्रवण कर। और यहाँ ये 17वें श्लोक में, ये 17वां श्लोक में कहा है कि हे मनुष्यो, जिस ज्योत स्वरूपी रक्षक मुझ से अविनाशी यथार्थ कारण के आच्छादित मुख के तुल्य उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है, जो वह प्राण व सूर्य मंडल में पूर्ण परमात्मा है, यानी वेद ज्ञान दाता से कोई और है पूर्ण परमात्मा, पूर्ण परमात्मा है वह परोक्ष रूप, वो तो गुप्त है, वह तो गुप्त है, और अहम अहम मैं ब्रह्म, इन्हें अनुवाद गलत कर रखा है। यहाँ देखो, सो असौ अहम यो है वह अहम, असौ अहम ओम खम ब्रह्म, वह अहम मैं आकाश में रहता हूँ, खम माने अंतरिक्ष में, और ब्रह्म हूँ, मेरा ओम नाम है, और वो परमात्मा प्रोक्ष है, वह पूर्ण परमात्मा है जो सूर्य मंडल में यानी ऊपर तेजों में लोकम रहता है, वो परमात्मा है, वह परोक्ष रूप है, और मैं अहम और मैं खम के तुल आकाश के तुल ब्रह्म हूँ। तब अर्थ नहीं करा इसका, और मैं ब्रह्म लिखना था, और ओम नाम है मेरा, ऐसा जानो। अब हमारे सदग्रंथ सही है, जैसे धर्मदास जी ने परमात्मा कबीर जी से कहा था, हे भगवान आप को तो हमने पहचान लिया और देख लिया, आप सर्वशक्तिमान हो, ब्रह्मा विष्णु महेश भी नाशवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, आपने प्रत्यक्ष दिखा दिया, इनसे वार्ता करवा दी है, और इनके बारे में
वेदों और कतीबों में जो लिखा है कि सर्वशक्तिमान है, अजर व अमर है, इनके कोई माता पिता नहीं, तो क्या ये वेद कतीब तो फिर झूठे हैं भगवान? तब परमात्मा ने कहा था कबीर साहब ने, ये वेद और कतीब झूठे नहीं भाई, झूठे हैं जो समझे नाई। इनमें वेदों और पुराणों में कितना नहीं, कहीं नहीं लिखा कि ब्रह्मा विष्णु में इसकी पूजा करो या हरे राम हरे कृष्ण नाम जाप करो, ये मूर्ख बना रहे तुम्हारे को। इन्होंने खुद स्वीकारा है, श्री देवी भागवत में तीसरे स्कंद में 123 पृष्ठ पर लिखा है, भगवान विष्णु कहते हैं कि हमारा तो जन्म मृत्यु होता है ब्रह्मा शंकर और मेरा, हम अविनाशी नहीं, हमारी जन्म मृत्यु होता है, दुर्गा हमारी माता है। तो भाई वेद पुराण और गीता में तो ठीक लिखा है, पर इनको ये समझ नहीं सके, ये झूठे हैं, ये वेद कतेब और गीता झूठी नहीं। तो यहां क्या बताया है, 15वें अध्याय के 1 से 4 श्लोक में बताया है कि तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है कि ऊपर को जड़ नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा, ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष जानो। यानी ऊपर गुप्त है, वो जड़ है, वो तो पूर्ण परमात्मा है, ऊपर के 4 लोक हैं, सतलोक, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक, वो तो प्रोक्स है, किसी की दृष्टि में नहीं आते। और नीचे के उसके बाद क्या, अक्षर पुरुष ये तना समझो, और सर पुरुष एक मोटी डार निकलती है, और फिर तीनों देवा शाखा, तीन शाखा उस डार के, यानी ज्योति निरंजन के पुत्र हैं ये सर पुरुष के, और फिर आगे पात रूप संसार, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सर पुरुष वाकी डार, तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। तो उसके पश्चात जब तत्वदर्शी संत मिला है तत्व ज्ञान से समझ कर, उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौट कर कभी संसार में नहीं आते। 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 तक का ये निष्कर्ष है। और गीता ज्ञानदाता कहता है केवल उसी की भक्ति करो और किसी की मत करना, वही पूज्य है, सारे ब्रह्मंडों की रचना उसी ने की, अपनी भक्ति को भी ये मना कर रहा है यहाँ पर। फिर 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। यार कहने का भाव ये है, गीता ज्ञानदाता से अन्य कोई और शक्ति है, परम शक्ति जो सर्व सुखदायक पूर्ण मोक्षदायक है, जिसकी साधना भक्ति करने से फिर जन्म मृत्यु प्राप्त नहीं होती, और फिर वो सनातन परम धाम को चला जाता है, जहां जाने के बाद फिर लौट कर कभी नहीं आते। और ये ब्रह्म लोक गए हुए प्राणी भी वापस आते हैं, जो खुद कहता है मेरी भक्ति भी नाशवान है, मैं भी नाशवान हूँ, मेरे ओम नाम से प्राप्त परम गति वो अपने आप नाशवान होगी, क्योंकि ब्रह्म लोक में गए प्राणी फिर वापस आते हैं। इसलिए परमात्मा कबीर साहब की महिमा को आदरणीय गरीबदास साहब जी ने कहा है, भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सभी का। वो कौन है? कबीर इज गॉड, कबीर इज कंप्लीट गॉड। बोलो सतगुरु देव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्वसृष्टि रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी, ये हमारे सभी आत्माओं के जनक हैं, हमारे पिता हैं, ये परमात्मा अपनी जानकारी, अपने विषय में ज्ञान जिसे अध्यात्म ज्ञान कहते हैं, वो स्वयं ही ज्ञान कराने के लिए आते हैं, बताने के लिए आते हैं। श्री मद भगवत गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञान दाता कहता है कि मेरी उत्पत्ति को न तो ये ऋषिगण जानते हैं और न ही देवता लोग, क्योंकि मैं इन सब का आदि कारण हूं, मैं इनका उत्पत्ति करता हूं, क्योंकि श्री ब्रह्मा रजगुण, श्री विष्णु सतगुण, श्री शिव तमगुण के पूज्य पिताजी ये ज्योत स्वरूपी निरंजन
सर्वपुरुष अर्थात ये काल भगवान है जिसने गीता जी का ज्ञान अपने पुत्र श्री विष्णु अर्थात श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोला। पुण्यात्माओं, जिन्हें हम परमात्मा कहा करते थे, सुप्रीम पावर ओवरऑल कंट्रोलर, श्री कृष्ण जी से अतिरिक्त कोई भगवान नहीं, श्री कृष्ण जी पूर्ण परमात्मा है, ऐसा सुना करते थे इन तत्वज्ञान इन नकली ऋषि मह ऋषि मंडलेश्वरों से। उन श्री कृष्ण श्री विष्णु अर्थात श्री विष्णु ब्रह्मा विष्णु महेश जी को स्वयं पता नहीं उनके पिताजी कौन है, और वो ज्ञान किसने दिया, जिसने इनके पिता की भी उत्पत्ति की, वो कौन है, वो परम अक्षर ब्रह्म है, और वही परम अक्षर ब्रह्म संत भाषा में सत्पुरुष कहलाते हैं, सत्पुरुष कहो सत्य पुरुष कहो, वो कौन है, परम अक्षर ब्रह्म कहो सत्य पुरुष कहो, ये तो उनकी उपाधि है, जैसे प्रधानमंत्री कहो, दूसरे भाषा में प्राइम मिनिस्टर कहो, ये उपाधि है, और उस उपाधि प्राप्त का नाम कुछ अन्य ही होता है। जैसे भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नाम तो अन्य ही होता है, लेकिन प्रधानमंत्री उसकी उपाधि, ऐसे ही परम अक्षर ब्रह्म सत्य पुरुष अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम, ये उस कबीर परमात्मा की उपाधि है, उसका नाम कबीर देव है, और पवित्र कुरान शरीफ में अल्लाहु अकबर, पवित्र वेदों में कबीर देव। तो इस प्रकार वो परमात्मा कबीर देव है, और जिन महापुरुषों ने उनका साक्षात्कार किया उन्होंने बताया कि वो काशी में जुलाहे रूप में आया था, वो पूर्ण परमात्मा है। अनंत कोट ब्रह्मंड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सृजनहारे, ना सतगुरु जननी जने उनके माने बाप, पिंड ब्रह्मंड से रहित हैं जाना तीनों तापे। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी माहे कबीर हुआ। अब ये भी स्पष्ट कर दिया कि जो जुलाहा जाति में प्रगट हुए थे वही परमात्मा अनंत कोट ब्रह्मांड के स्वामी कबीर जी हैं। तो अखिल ब्रह्मांड का नायक अखिल ब्रह्मांड का स्वामी कबीर साहब हैं, जो बनारस के अंदर काशी शहर के अंदर जो सह शरीर आकर प्रकट हुए थे, एक कमल के फूल पर शिशु रूप धारण करके विराजमान हुए थे, धीरे धीरे बड़े हुए, तत्व ज्ञान का प्रचार किया। ये हम सब के जनक हैं, ये कुल के मालिक हैं। इन भगवान ने इस परमात्मा ने आकर के अपना यथार्थ ज्ञान दिया। प्रत्येक युग में आते हैं ये कबीर परमेश्वर, लेकिन अन्य युगों में सतयुग त्रेता द्वापर में ये अन्य नामांतर करके आ जाते हैं। सतयुग में सतसुकृत नाम से, त्रेता में मुनिंदर नाम से, और द्वापर में करुणा में नाम से, और कलयुग में अपने ओरिजिनल नाम से आते हैं, कबीर नाम से, कबीर नाम से। तो पुण्यात्माओं, 600 वर्ष पहले परमात्मा ने इन श्री ब्रह्मा श्री विष्णु श्री शिव जी इनके पिता और इनकी माता की उत्पत्ति बताई थी। ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता की जानकारी परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले बताई थी, लेकिन इन
अज्ञानी ऋषि में ऋषियों ने, तत्वज्ञानहीनों ने, मंडलेश्वरों ने परमात्मा के अमृत ज्ञान को, उस यथार्थ ज्ञान को जनता तक नहीं जाने दिया। और कहते रहे कबीर झूठ बोलता है, ये अशिक्षित है, ये क्या जाने भगवान के बारे में, ये क्या जाने वेदों और गीता और पुराणों के बारे में, क्योंकि इसको अक्षर ज्ञान नहीं, ये संस्कृत भाषा से परिचित नहीं। और वो नकली मंडलेश्वर केवल संस्कृत भाषा से तो परिचित थे, लेकिन अध्यात्म ज्ञान शून्य था उनका। अब हमारे सामने एक प्रॉब्लम अड़ी रही, वो एक बात कह दिया करते थे कि कबीर धानक है, जुलाहा है, ये शिक्षा का अधिकारी भी नहीं है, ये कहां से जान सकता है पुराणों और कुरान को, वेद और गीता को, ये सब झूठ बोलता है। ये जो कह रहा है कि तीर देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे न हो मुक्ति। परमात्मा कहा करते थे, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पारे। तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना हो मुक्ति। 600 साल पहले परमात्मा कहा करते, इन तीन देवताओं की, श्री रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की जो भक्ति करते हैं, इनका कभी मोक्ष नहीं हो सकता। इस बात से अक्षुब्ध होकर के हिंदू धर्म के गुरुओं ने उस परमेश्वर का घोर विरोध किया और करवाया जनता को बरगला कर कि कबीर झूठा है, ये झूठ बोलता है, इनके कोई माता पिता नहीं, ये अजर अमर हैं, सर्वेश्वर हैं, महेश्वर हैं, मृत्युंजय कालज, ये सर्वशक्तिमान अखिल ब्रह्मांड के नायक कौन, श्री विष्णु जी। कोई शंकर जी को अखिल ब्रह्मांड का नायक बताता जो उसका पुजारी है। तो पुण्यात्माओं, उस समय इन नकलियों की दाल गल गई कि सचमुच कबीर जी शिक्षित नहीं है, संस्कृत भाषा नहीं जानते हैं, इसलिए जो हमारे गुरु लोग कह रहे हैं वही ज्ञान सच्चा है। तो उस समय इनकी दाल गल गई और परम पूज्य परमेश्वर कबीर जी अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को सचखंड लेकर गए, सतलोक लेकर गए, उस तीसरे मुक्ति धाम में जहां यह स्वयं विराजमान है परमात्मा, तख्त के ऊपर है, और सब ब्रह्मांडों की सतीथि से परिचित करवाया, ब्रह्मा विष्णु महेश से परिचित करवाया, उनसे वार्ता करवाई। उन्होंने स्वयं बताया कि हम तो नाशवान है, हमारी जन्म मृत्यु होती है, कोई परमात्मा तो कोई और है जिसके विषय में हम भी अनभिज्ञ हैं। तब धर्मदास जी को यह विश्वास हुआ कि सचमुच ये तो नाशवान है ब्रह्मा विष्णु महेश भी, और वो परमात्मा अन्य है ये नहीं जानते, और वो मेरे साथ खड़ा है कबीर नाम से ही। तब परमात्मा से धर्मदास जी ने प्रश्न किया कि हे भगवान, अब तो हमें पता चल गया कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी इतना नाशवान है, इनकी स्वयं जन्म मृत्यु होती है, तो इनकी उपासना करने से जीव कैसे मोक्ष प्राप्त कर सकता है, और ब्रह्म तक की स्थिति नाशवान है। हे परमात्मा, इससे ये सिद्ध हुआ कि ये वेद और कतेब, कुरान पुराण और बाइबल, वेद और गीता, इसकी से सिद्ध हो गया कि ये सब झूठे हैं। तब परमेश्वर ने कहा था, वेद कतेब झूठे नहीं भाई, झूठे हैं तो समझे नहीं, ये शास्त्र झूठे नहीं है, झूठे तो वो हैं जिन्होंने समझा नहीं, इनकी समझ में नहीं आया, ये पढ़ते रहे, रट्टा लगाते रहे, घोट लेते संस्कृत को, और अशिक्षित व्यक्तियों के बीच में बैठ के दो विद्वान शास्त्रार्थ किया करते थे।
और जिसने संस्कृत ज्यादा बोल दी, श्रोताओं के हाथ में डिसीजन होता था, जो कुछ भी नहीं समझ रहे थे वो बोल क्या रहे। एक समय कोई सुप्रसिद्ध विद्वान किसी नगर में कथा कर रहा था, प्रवचन किया करता था, आसपास के क्षेत्र में सुप्रसिद्ध था, और ये कहा करते थे कि ऐसा विद्वान वेदों और गीता का, पुराणों का देखा ना सुना, उसकी दंत कथा इतनी होगी। एक अशिक्षित यात्री जा रहा था अपने किसी गंतव्य प्लेस स्थान की तरफ किसी काम से, रास्ते में देखा कि सत्संग चल रहा है, कथा हो रही है, महात्मा कोई कथा कर रहा है। उसके बारे में पूछा तो बताया कि बड़े प्रसिद्ध, बड़े पहुंचे हुए महापुरुष हैं। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। सर नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मोहन सिंह है। मोहन सिंह जी कहाँ से आए हो आप? सर मैं डिस्ट्रिक्ट सिरमौर हिमाचल प्रदेश से आया हूँ, गांव लोजा मानल तहसील रोनाट से आया हूँ। सर क्या काम करते हैं आप? सर मैं, मेरी अभी रंग पेंट का काम करता हूँ, साथ में पढ़ाई भी कर रहा हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे आप? सर संत रामपाल महाराज से जुड़ने से पहले मैं देवी देवताओं की, हिंदू धर्म के तहत जो देवी देवताओं की भक्ति होती है वही भक्ति करता था, वही भक्ति साधना करता था सर मैं। तो सर उस भक्ति को करने से आपको क्या लाभ मिले? सर उन भक्ति साधना करने से मुझे कोई खास विशेष लाभ नहीं हुआ सर, मैं बस परेशान ही रहा, बहुत ज़्यादा परेशान रहा मैं सर, क्योंकि मेरी जो वाइफ है वो बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी सर, उनको 22,000 वोल्टेज से करंट लगा था सर, तो करंट खुद ही पास हो गया था सर, तो पास हो सर उनकी एक साल कम से कम पीजीआई में इलाज चली सर, फिर हम वापसी आए उनको सेकेटरी प्रॉब्लम रहने लगी सर, उसके बाद मैंने सोलन में बहुत ज़्यादा इलाज कराया उनकी, कोई हॉस्पिटल नहीं छूटा होगा सर जहाँ मैंने इलाज नहीं करवाई उनकी। उसके बाद सर मैं शिमला चला गया, जब कोई आराम नहीं हो रहा था सर मैं शिमला चला गया, शिमला में मैंने उनकी इलाज कराई सर कम से कम एक साल तक, तो डॉक्टरों ने बोला कि इनको मानसिक प्रॉब्लम है, ऐसा करो आप एक साल तक इनके दवाइयाँ चलती रहेगी, तो डॉक्टर साहब ने सर मेरे लिए एक महीने की पहले दवाई दी, उन्होंने कहा कि अगर ये ठीक हो गए फिर भी आपने दोबारा आना, ये दवाई ले लो, और अगर इनको कोई इन दवाई खा के कोई असर ना हो फिर भी आपने आना। तो सर मैं बहुत ज़्यादा परेशान लग गया, अब मैं सोचने लग गया कि अब इन दवाइयों का क्या करूं, तो मेरे से सर उस समय एक भक्त मिलते थे। सर आखिर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के पीछे क्या कारण रहा? सर विशेष कारण यह रहा है सर कि एक भक्त है सर जो मुझे सर मोटिव करते रहते थे, वो सर संत रामपाल जी के शिष्य थे सर, तो वो कहते थे कि आप ये देवी देवताओं की भक्ति को छोड़ दो और आप ऐसा करो अपने जिंदगी में एक गुरु बनाओ और गुरु से नामदान लो और भक्ति करो, जो कि पूर्ण गुरु इस अभी प्रजेंट में तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज है, वो तत्व ज्ञान को देते हैं, आप उस ज्ञान से परिचित हो जाओ पहले, अच्छी तरह से नामदान लो, आपकी सारी शारीरिक पीड़ा है और जो जो भी है मानसिक घटनाएं जो भी है आपकी सब ठीक हो जाएगी। सर जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेता है उनको कोई ना कोई लाभ जरूर होते हैं, सर क्या आपको भी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद कोई लाभ मिले? सर संत रामपाल महाराज जी से जुड़ने के बाद मुझे सर बहुत ज़्यादा लाभ हुए सर, लेकिन मैं सर मेन लाभ गिनाऊंगा सर आपको, क्योंकि सबसे बड़ा लाभ तो सर मुझे आध्यात्मिक लाभ हुआ, क्योंकि देवी देवता की भक्ति करने से मैं बहुत परेशान हो गया था सर। देखो सर कि मेरी वाइफ के शरीर में एक रेणुका माता की हवा आती थी, तो हम वो रेणुका माता के नियम नहीं कर पा रहे थे, हमने बोला कि रेणुका माता आप इनके शरीर से चले जाओ, हम नियम नहीं कर पा रहे, तो माता का जवाब आया कि मैं नहीं जा सकती, मैं तो इसके रक्षा के लिए हूँ, इसके शरीर में मैं नहीं जा सकती। तो सर मैं परेशान इस बात से हुआ कि ऐसी कैसी रक्षा हो गई कि ऊपर से उनको 2,500 वोल्टेज से करंट लग गया और उसके बाद वो उनको मानसिक पीड़ा होने लगी और बीमार इतने रहते थे सर कि मतलब कि हम 7 दिन के अंदर अंदर हॉस्पिटल जाना पड़ता था सर, हमारे को हर 7 दिन के अंदर कभी ना कभी हॉस्पिटल, कभी एक बारी दो बारी हमें जाना ही पड़ता सर, बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई थी सर, फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होने लग गई थी सर, मतलब कोई भी कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था सर, तो मैं सर बहुत परेशान हो गया कि अब क्या करूँ, क्योंकि सर देवी देवता की भी कोई मुझे खास लाभ नहीं मिल रहा था सर। संत रामपाल जी महाराज जी ने आपको क्या लाभ दिए? सर संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद मुझे सर एक तो आध्यात्मिक लाभ ये हुआ कि मुझे ये सारी पीड़ाएं जो भी मेरे भाई बीमार रहते थे ये सर ठीक हो गए, इनको उसके बाद
कुछ भी सर, इनकी जो भी मानसिक पीड़ा थी वो भी ठीक हो गई है। और सर जो हॉस्पिटल कभी पेट दर्द अपडोमिन पेन होती थी इनको सर, कभी कुछ होता था सर, कभी कहीं दर्द होती थी, कभी कहीं होती थी सर, वो भी सब सारा ठीक हो गया सर, सब कुछ ठीक हो गया सर। उसके बाद सर एक आध्यात्मिक लाभ मुझे ये हुआ कि सर मैं जब कॉलेज लाइन में था तो सर मुझे एक नशे की हैबिट हो गई थी सर, मुझे सर स्मोकिंग की हैबिट हो गई थी, मैं सर बीड़ी सिगरेट पीने लग गया था सर। तो हुआ क्या सर कि हैबिट अब ये सर छोड़ने की मतलब कि मैं नहीं रह सकता सर, है ना, मुझे पीनी पड़ती थी दिन में कम सर मैं एक मंडल पी लेता था सर बीड़ी। तो उसके बाद जैसे सर मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम लिया सर, मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम लिया 14 नवंबर 2018 को सर। तो सर मैंने नाम लिया तो सर उसके बाद जो संत रामपाल जी से मैंने नाम दीक्षा ली, उसमें जो मंत्र है, उसके जो मंत्र है सर, उसके मंत्र में संत रामपाल जी महाराज जी के मंत्र में इतनी शक्ति है सर, उनके शक्ति से उनकी भक्ति करने से सर और तीनों टाइम की आरतियां करने से सर इतनी शक्ति है सर कि मेरे ये लते अपने आप ऑटोमेटिकली सर दूर हो गई सर, मुझे अब बहुत ज़्यादा। नाम लेते ही आपका नशा छूट गया। नाम लेते उसके बाद सर मैंने आज तक कभी नशा नहीं किया सर संत रामपाल जी महाराज जी ने कोई दवाई दी या कोई जड़ी बूटी दी आपको? जी सर, बस मैंने सद्भक्ति की सर, जो उन्होंने सद्भक्ति का मार्ग बताया सर। सर ये बात आपको अटपटी नहीं लगी कि संत रामपाल जी महाराज जी जेल में हैं और आप उनको गुरु बनाने जा रहे हैं? नहीं सर मुझे कोई अटपटी, क्योंकि सर उनके ज्ञान को देख करके मुझे पता लग चुका था सर, क्योंकि मुझे ऐसा ज्ञान सर पहली बार ज्ञान मिला सर मुझे, क्योंकि वो ज्ञान ऐसा ज्ञान है सर कि जो वेद पुराण सारे सर कुरान शरीफ गीता से मिलकर जो बना हुआ है सर, जो इनसे अलग कुछ एक शब्द भी नहीं है सर। सर संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा लाखों गुरु हैं हिंदुस्तान में, तो सर क्या आपको नहीं लगता कि संत रामपाल जी महाराज जी से ज्यादा कोई और गुरु आपको लाभ दे सकता था? नहीं सर मुझे नहीं लगता सर, क्योंकि सर पूर्ण गुरु सर तत्वदर्शी संत रामपाल जी है, क्योंकि सर गीता में कहा गया है कि पूर्ण गुरु की पहचान कैसे करनी, पूर्ण गुरु सर वही गीता में कहा गया कि जो वृक्ष रूपी पिपल के बारे में संपूर्ण ज्ञान को बताए वही पूर्ण गुरु है, उसे आप नाम दान लेकर के अपनी मोक्ष प्राप्ति करें, जो कि हम तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज एक पिपल रूपी वृक्ष के बारे में संपूर्ण ज्ञान को बताते हैं। सर आपकी पत्नी पिछले 10-12 साल से भूत प्रेत से परेशान थी, संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद आज उनका स्वास्थ्य कैसा है? उनका स्वास्थ्य सर एकदम ठीक है, उनको सर कुछ नहीं हुआ उसके बाद, उनका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है सर। सर आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो लोग आज भी भूत प्रेत की बाधाओं से परेशान हैं? सर मैं भक्त समाज को तो संदेश तो क्या, मैं उनसे विनती अपनी प्रार्थना ही कर सकता हूँ कि आइए और तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से जुड़िए, उनकी सर कुछ पुस्तक सेवाएं हैं जो ज्ञान गंगा है, गीता तेरा ज्ञान अमृत है, जीने की राह है, कबीर परमेश्वर है की बुक है सर, ये ऐसी बुकों में सर एक ऐसे बहुत बड़ा ज्ञान छुपा हुआ सर जिससे हम अपरिचित थे सर, इन बुकों को पढ़िए और पढ़ करके पूरा ज्ञान को समझ करके तत्वदर्शी संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लीजिए और अपना कल्याण कराइए। सर आप शिमला हिमाचल से बिलोंग करते हैं, सर आप अपनी स्थानीय भाषा में यहाँ के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? सर मैं यही कहना चाहता हूँ अपने पहाड़ी भाइयों से कि तत्वदर्शी संत रामपाल जी का सत्संग सुने और उनकी पुस्तकें पढ़े और पुस्तकों पढ़ करके ज्ञान प्राप्त कीजिए और अपने जिंदगी में लाइफ में गुरु बनाइए, क्योंकि गीता में कहा गया है कि गुरु बिना ज्ञान नहीं है, मतलब कि अगर मोक्ष प्राप्ति करनी है तो गुरु बनाना बहुत ही जरूरी है, कि संत रामपाल जी महाराज को गुरु ही बनाइए, क्योंकि अपूर्ण गुरु है वो तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज है, जो हमारी गीता में और वेदों में बताया गया है कि जो तत्व ज्ञान को बताए वही पूर्ण गुरु है, उनसे नाम दीक्षा लिए और अपना मोक्ष प्राप्त करें। जी धन्यवाद। धन्यवाद जी। आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8-222-880-541, 8-222-880-542, 8-222-880-543, 8-222-880-544। हमारी वेबसाइट है www.jagatgururampalji.org।